हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हम जब गार्डनिंग करते हैं तो एक ही चिंता हमें सताती है कि कहीं हमारे पौधों को फंगस ना लग जाए और कहीं फंगस की वजह से पौधे ना मर जाए। तो दोस्तों, फंगिसाइड अगर आप खरीदते हैं और उसका स्प्रे करते हैं, उसको मिट्टी में डालते हैं पानी में मिला करके, या जिस तरीके से भी आप फंगिसाइड का यूज करते हैं, तो भी जो है क्या होता है कि फंगिसाइड जो है काफ़ी महंगे महंगे आते हैं। अलग अलग तरीके के फंगिसाइड आते हैं, अलग अलग तरह के फंगस को मारने के लिए कुछ तो स्प्रे करने के लिए आते हैं और कुछ जो है पानी में मिला करके उसको जो है जड़ों में डालने के लिए। और जब आप फंगिसाइड को खरीदते हैं तो काफ़ी पैसा आपका जो है खराब हो जाता है, और इस वजह से जो है आप फंगिसाइड का यूज़ नहीं करते हैं। तो जिसमें बारिश का सीज़न होता है, जिसमें सर्दी का मौसम होता है, तो ऐसे में जो आपके पेड़ पौधे हैं फंगस की वजह से बहुत ज़्यादा मरने लगते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको कि आप घर पर बना सकते हैं, और ये एक ऐसा फंगिसाइड है जिसको चाहे तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पौधे की जड़ में भी डाल सकते हैं, और चाहे तो पौधे का जो तना है उसमें आप उसके बिल्कुल लिपाई कर सकते हैं। जिस तरह से पेंट करते हैं, तो नीचे से अगर किसी भी पेड़ पौधे में आप लिपाई कर देंगे तो ऐसे में जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो भी उससे दूर रहेंगे, और साथ ही साथ जो फंगस है वो भी इसमें नहीं लगेगा। तो हर तरह के फंगस का जो उपाय है उसको मारने का या उसको रोकने का जो उपाय है वो जो है इस चीज़ में है जिसको कि आज हम बनाने वाले हैं, और बहुत ही सस्ते में ये चीज़ तैयार हो जाएगा। ये दो ही चीज़ आपको इसके लिए चाहिए होगा। तो दो चीज़ मैं मार्केट से लेकर के आया हूँ। पहला जो आप ये देख रहे हैं, ये जो है चूना है दोस्तों। ये जो है बुझा हुआ चूना आप ले सकते हैं मार्केट में जो आता है, या जिस चूने से जो है पेंट करते हैं तो वो वाला चूना भी ले सकते हैं, चाहे तो पान में जो मिला करके खाते हैं वो चूना भी ले सकते हैं। कोई भी चूना आप ले सकते हैं इस तरीके का। तो ये चूना एक तो हो गया, और दूसरा जो मटेरियल हमको लेना है वो देखिए ये लेना है। यहाँ पर ये जो है जो आपको दिख रहा है ये कुछ नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको जो है हम नीला थोथा भी कहते हैं, इसको हम जो है तूतिया भी कहते हैं। तो ये जो है ये इस तरीके का पैकेट में आता है जो बुरादा टाइप का आता है, और इसके अलावा ये जो है ढेले में भी आता है। और इस तरह का जो चूना है, ये चूना भी जो है आपको इस तरह का जो है ढेले में भी ये मिल जाएगा, और चाहे तो इस तरह का बुरादा भी मिल जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, और कोशिश करें कि जो ढेले वाला है उसको आप यूज़ करें, भले ही चूना इस तरह का हो, लेकिन जो ये है आपके पास जिसको कि हम तूतिया कहते हैं या नीला थोथा कहते हैं, तो ढेले वाले में कोई भी मिलावट आपको जो है नहीं मिलता, लेकिन कई बार ये पीसे हुए चीज़ों में मिलावट भी होती है। तो मुझे मिला नहीं था, तो ये वाला ही मैं लेकर के आया था वहाँ दुकान से। तो ये जो है बहुत सस्ते में आ जाता है ये दोनों चीज़ें, और ये चूना तो जो है इससे बहुत ज़्यादा सस्ता है। और ये जो है मैं एक एक किलो लेकर के आया था, आपको एक किलो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके गार्डन छोटा है तो। दोस्तों, इसको हमें कितना लेना है, चलिए आज जो है उसके बारे में फिर बात करते हैं। अब देखिए करना क्या है हमको कि इनको जो है हमें पानी में मिलाना है, और इसको जो है सिर्फ हमें दो बार डालना होता है साल में, और साल में दो बार इस चीज़ का यूज़ करके आप हर तरह के फंगस से बच सकते हैं। एक तो हमें ये करना है कि जैसे ये चूना है इसको लेना है। अब अगर आपको 10 लीटर पानी बनाना है, 10 लीटर में अगर आपको लगता है कि काम हो जाएगा, तो आपको केवल 50-50 ग्राम ही यूज़ करना है, यानी कि ये जो चूना है आपको 50 ग्राम यूज़ करना है, और ये जो नीला थोथा है ये भी 50 ग्राम यूज़ करना है, यानी कि दोनों मिलाकर के 100 ग्राम हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि 10 लीटर पानी से आपका काम हो जाएगा, पेड़ पौधों के जड़ों में आप दे सकते हैं या चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं, तो आप जो है 50-50 ग्राम ले। 20 लीटर पानी चाहिए तो आप जो है 100-100 ग्राम ले ले। और यहाँ पर चूंकि एक एक किलो है, मुझे ज़्यादा चाहिए होगा, मैं बिल्कुल जो है 200 लीटर बनाने वाला हूँ, तो मैंने एक एक किलो ले लिया है, क्योंकि गार्डन जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है मेरा। तो इन दोनों का चलिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जो है चूना है, तो चूने
को कैसे मिलाऊंगा मैं, देखिए चूने को मिलाने के लिए सबसे पहले मैं पानी ले लूंगा, लेकिन यहाँ पर जो है मैं पानी सीधा सीधा इसी से भर लेता हूँ कुछ मोटर चला करके। ये जो है पानी है, तो नॉर्मल पानी आप चूने के लिए जो है नॉर्मल पानी जो होता है उसका यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्टली मेरे जो टोटी है वहां से ये पानी आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं पानी इसमें कर दूंगा पहले। अगर आप 100 ग्राम या 50 ग्राम बना रहे हैं तो चाहे तो 1 लीटर पानी ले सकते हैं या 2 लीटर पानी ले सकते हैं, लेकर के उस समय घोल सकते हैं। तो अभी जैसे ये थोड़ा सा पानी हो गया, अब मैं डालूंगा ये चूने को। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे 200 लीटर बनाना है, तो मैं पूरा 1 किलो डालूंगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मैं डालूंगा और थोड़ा थोड़ा इसको घोलता भी रहूंगा। तो किसी डंडे की हेल्प से आप इसको घोलते भी रहे। देखिए ये चूना मैं डाल रहा हूं, तो 1 किलो चूना मैंने डाल दिया और मुझे जो है इसका स्प्रे भी करना है और इसको जो है जड़ों में भी डालना है, तो तभी मैंने ये पूरा का पूरा ले लिया है 1 किलो चूना। और इसको इस तरीके से घोल लूंगा। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से पानी मैंने डाल दिया है। अब ये पानी जो है, ये जो ड्रम मैंने लिया है दोस्तों, ये लिया है 50 लीटर का ड्रम, तो मुझे अंदाजा है कि कितना मुझे डालना है। तो ये अभी तो मैंने जो है जितना भी पानी मिला है, इसमें हो सकता है कि 5-6 लीटर पानी इसके अंदर चला गया हो, या थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस समय हम इसमें ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो उस समय हमारे नाप जो है एक्यूरेट होना चाहिए। तो टोटल मिलाकर के जो है ये 2 किलो हमारा 200 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा पानी मिलाने के बाद। तो अभी इसको जो है इस तरीके से भिगा करके रखेंगे। इसमें हमने नॉर्मल पानी यूज़ किया है। अब दूसरा जो है हमारा है नीला तोता, ये जो है वो है, तो इसको हमें इसमें नहीं मिलाना है, दोनों को ही जो है अलग अलग डिब्बे में मैं मिला रहा हूँ। चाहे तो आप बाल्टी का यूज़ कर सकते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपको प्लास्टिक के जो भी बाल्टी है या जम है उसमें आपको करना है, या मिट्टी के बर्तन में या जम में करना है। किसी भी तरह के जो धातु है उसको आपको नहीं लेना है। कई लोग लोहा या पीतल ले लेते हैं या कासा ले लेते हैं, तो इस तरह के धातु का यूज़ नहीं करना है, केवल प्लास्टिक या मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसी का आपको यूज़ करना है। तो चलिए इसमें भी हम करते हैं, लेकिन इसको करने के लिए हमें क्या करना है। ये दोस्तों जो पानी है बाल्टी में मैंने ला के रखा है, ये जो है गर्म पानी है। पहले चूने को तो जो है हमने नॉर्मल पानी में किया था, लेकिन नीला तोता इसको घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको जो है हम गर्म पानी ले लेंगे। तो थोड़ा गर्म पानी में ये ले ले रहा हूँ ड्रम के अंदर। ये थोड़ा गर्म पानी हमने ले लिया। अब ये जो नीला तोता है इसको मैं मिलाना है और एक साथ नहीं डालना है इसको। देखिए ये 1 किलो ले लिया, दोनों का जो है मात्रा बराबर है, लेकिन इसको जो है जैसे देखिए इसको मैं निकाल करके दिखाता हूँ किस तरीके का होता है दानेदार। देखिए थोड़ा थोड़ा दानेदार ये इस तरीके का लगेगा, कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको ही आपको लेना है, या तो आपको इसका जो ढेला है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ढेले को थोड़ा सा आप घर ला करके चूरा बना ले, उसको तोड़ करके तब आप इसमें डालें। तो इस तरीके से मैं इसमें डाल दूंगा। तो थोड़ा सा मैं पहले ये डाल देता हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा डालना है और फिर इसको जो है किसी डंडे के हेल्प से आपको जो है घोलना है। एक साथ पूरा मत डालिएगा, घुलना नहीं चाहता ये तुरंत से, तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आपको हिलाते जाना है एक तरफ से, और थोड़ा डालते भी जाना है। इस तरीके से करता रहूंगा मैं। थोड़ा पानी और डाल देते हैं इसमें हम।
इस तरीके से। दोस्तों इस समय जो है क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, बहुत जगह शुरू होने वाला है, तो इस समय बहुत अच्छा सीजन है। ठीक बारिश से पहले पहले आपको एक बार इसका यूज करना है, और दूसरी बार यूज जो है बारिश खत्म होने के बाद, जिस समय सर्दी का सीजन शुरू होने वाला होता है, तो उस समय करना है, क्योंकि यही दो टाइम ऐसे होते हैं जिस समय फंगस का अटैक ज्यादा होता है पेड़ पौधों में। तो इसका यूज अगर आप करके रखेंगे तो ऐसे में फंगस का अटैक नहीं होगा और आपके पेड़ पौधे जो है बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। और चूना ऐसे भी मिट्टी को बहुत अच्छा बनाता है, ये आपको पता ही है। तो इन दोनों का यूज आपको करना है, आपकी मिट्टी भी अच्छी रहेगी और बिल्कुल ऑर्गेनिक उपाय है ये, बहुत सस्ता उपाय है। ये जो 200 लीटर है, मान लीजिए इन 200 लीटर को तैयार करने में 200 रुपए के लगभग ही मेरे खर्च हुए हैं, लेकिन अगर आपको कम चाहिए तो आपको जो है बिल्कुल बहुत कम पैसे में ये उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि मेरा गार्डन काफी बड़ा है तभी मैं 200 लीटर इसको बना रहा हूँ। और ये जो है मेरे इस समय 6 महीने के लिए काफी है, या बरसात का सीजन जब तक खत्म हो जाएगा, ठंड का सीजन आने के तक जो है ये मेरा काम करता रहेगा, और एक ही बार जो है इसको मैं डालूंगा। तो ये हमने घोल दिया। तो दोस्तों इस तरीके से मैं यहाँ पर ये दोनों चीजें को घोल रहा हूँ, चूने को भी इस तरह से घोल दे रहा हूँ, क्योंकि चूना जो है दोस्तों काफी जल्दी बैठ जाता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा हिलाना पड़ता है हमें। तो इस तरीके से मैं अभी इसको रख दूंगा और दोनों को जो है ढक करके मैं रख सकता हूँ, इस तरीके से ढक करके मैं रख दूंगा। और इसको जो यूज करना है दोस्तों, इसको अभी यूज नहीं करना है, तुरंत यूज नहीं करना है, इसको अभी मैंने पानी के अंदर घोल करके रखा है, तो ये कम से कम जो 6-7 घंटे हैं ऐसे ही पानी में घुलेगा और उसके बाद हम यूज करेंगे। जैसे आज मैं अभी यूज कर रहा हूँ, सुबह का वक्त है, तो जब शाम का वक्त होगा तब जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, या एक दिन पहले आपने इसको घोल करके रखा है और अगले दिन आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि बारिश हो जाती है तो आप यूज नहीं कर पाते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी अगर 2-4 दिन लेट हो तब भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप यूज करें इन पेड़ पौधों में, तो उसकी जो मिट्टी है वो गीली मिट्टी ना हो, जिस समय हल्की हल्की नमी हो मिट्टी में, तो ऐसे समय पर ही इसका यूज करें। तो चलिए इसको आप ढक करके रखते हैं और इसके बाद जो है बाद में इसको यूज करेंगे, और उस समय भी जो है आपके लिए मैं इसको लाऊंगा। दोस्तों हमने जो है देखा था पिछले टाइम कि इन दोनों में हमने भिगा करके रखा था, एक में चूना भिगो करके रखा था, दूसरे में जो है नीला थोता या जिसको आप तूतिया कहते हैं उसको भिगो करके रखा था। तो दोनों की स्थिति देख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं नजदीक आने के लिए कहूंगा, यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए यहाँ जो है चूने का पानी बिल्कुल सफेद है इस तरीके से, और ये थोड़ा सा नीचे अभी भी घोलना पड़ेगा, ये नीचे जम जाता है चूना बार बार, तो जब भी यूज करें थोड़ा सा इसको आप घोल ले ताकि चूना जो है इसके अंदर पूरी तरीके से मिल जाए। तो मैंने जो है ज्यादा एक साथ बना लिया था, लेकिन बारिश बहुत इस समय हो रही है जिसकी वजह से इसका मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरह से। 2 दिन हो चुके हैं, जबकि 1 दिन बाद मैंने सोचा था कि इसका यूज करूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं होती जब तक दोनों चीजें अलग अलग रहती है, जैसे ये नीला तोता है तो इसको भी मैं घोल रहा हूँ, तो दोनों चीजें जब तक अलग अलग जम में रहे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिस समय दोनों को आप मिला दे तो उस समय तुरंत उसका आपको यूज करना है। तो अभी मैं सबका सब तो यूज नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा ही यूज कर पाऊंगा, तो इनमें से थोड़ा थोड़ा मैं ले लूंगा उस हिसाब से। जैसे इसमें से मैं एक जगह अगर इसको ले रहा हूं यहाँ पर, तो एक जग जो है इधर से ये नीला तोता या कॉपर ऑक्साइड ये पानी भी ले लूंगा, क्योंकि इधर हमारे दोनों जग में पानी आधा आधा था, लगभग बराबर बराबर था, तो इसको मैं ले लूंगा और यहाँ पर इस ड्रम में थोड़ा सा बनाऊंगा। नाप पहले ही मैंने आपको कह दिया था कि जो ये 100 ग्राम अगर आप लेंगे दोनों चीजों को, तो 100-100 ग्राम अगर लेंगे तो उससे आप 20 लीटर पानी में टोटल मिलाकर के घोल सकते हैं, तो उसी अंदाज में जो है आपको ये करना होगा। तो देखिए दोनों को मैंने ये थोड़ा सा मिला दिया है यहाँ पर, और एक मैं ले लेता हूँ दोनों में से एक एक जग,
थोड़ा इसको भी ले लेता हूँ और थोड़ा इसमें से भी मैं ले लेता हूँ। तो इस तरह से बराबर बराबर क्वांटिटी मेरी हो गई है इधर इस तरीके से। और इसमें अब हमें थोड़ा जो है पानी मिलाना है, तो ये जितना हमने लिया है इसका मुझे 4 गुना पानी अभी मिलाना पड़ेगा जिस अंदाज में मैंने लिया है। तो मैं पानी इसमें मिला देता हूँ इस तरीके से, मैं इसमें पानी मिला दूंगा। और इसको दोस्तों आप पौधे की जड़ों में भी डाल सकते हैं, इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, दोनों ही काम आप इसका कर सकते हैं। तो पानी से पहले मैं इसको भर लेता हूँ। अगर इसको आप स्प्रे कर रहे हैं तो पानी थोड़ा सा ज्यादा मिला दे, क्वांटिटी जितनी आप जैसे जड़ों में डालते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा 1-2 लीटर पानी आप ज्यादा मिला करके तब जो है उसको छान करके तब स्प्रे करें, ताकि कोई भी जो कूड़ा कचरा या चूना जैसे थोड़ा सा जम जाता है तो वो जो दाने हैं बुरादे हैं वो कहीं भी आपके स्प्रेयर में पंप में ना फंसे। तो उसको छन्नी से आप छान ले या किसी कपड़े के हेल्प से छान ले और उससे आप जो है अपने पौधों में स्प्रे कर सकते हैं। तो पानी मैं इस तरह से और थोड़ा मिला दूंगा। इसमें चूंकि बरसात का मौसम है तो जो है थोड़ा थोड़ा ही आप डालें, क्योंकि मिट्टी में अभी नमी बरकरार होगी। और कोशिश करें कि जिसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़े या हल्की नमी हो पौधे के जड़ों के जो मिट्टी है उसमें, तो उसी समय इसका यूज़ करें। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पानी होने से कोई ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ता है, लेकिन क्वांटिटी आपको याद रखना है कि अगर 100-100 ग्राम ले रहे हैं दोनों चीज़ों को तो आपको जो है 20 लीटर कुल मिलाकर के पानी में वो डाइल्यूट होना है। दोस्तों अब ये हो चुका है, लगभग ये आधा जो है यहाँ पर भर चुका है हमारा ड्रम, आधे से थोड़ा कम है। तो जिस क्वांटिटी में मैंने लिया था उस हिसाब से ये जो है ठीक है। अब देखिए इस तरीके का इसका कलर हो चुका है, हल्का जो दूधिया रंग है वो हो रहा है इस तरीके से। तो इसको अब जो है हमें डालना है, इसको हम बाल्टी में लेकर के किसी भी पौधे के जड़ों में डाल सकते हैं, चाहे तो फव्वारे में डाल करके हम दे सकते हैं, कैसे भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं दे करके दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा पौधा है तो इस पौधे में हमें डालना है तो इस तरीके से हम जो है डाल सकते हैं, या फव्वारे में पूरी तरह से जो है फैल जाएगा। तो चूंकि अभी ये ज़्यादा गीला है तो मैं थोड़ा थोड़ा ही डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा, ज्यादा डालेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, नीचे से हमारा निकल जाएगा। इधर हमारे पुराने पौधे हैं तो इसमें भी मैं डालता हूँ, और चाहे तो इसमें पौधे को आप भिगो भी सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा बेर का पेड़ है और इसमें जो है इसमें बेर भी लगे हुए हैं, इस तरफ से भी दिख रहा होगा, इस साइड से भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ, इस बेर के पौधे में जो है मुझे डालना है तो नीचे इसकी मिट्टी को मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। मिट्टी आप देख सकते हैं अभी नमी बनी हुई है, लेकिन इससे थोड़ा सा और जब ज्यादा सूखे तब देना ज्यादा बेटर है। तो अभी जो है थोड़ा थोड़ा मैं डालूंगा इसमें। तो ये जैसे दे दिया तो इस तरीके से आप एक बार दे देंगे तो ये जो है अभी काफ़ी दिनों तक काम करता रहेगा, अगले पूरे बरसात में ये लगभग काम करता रहता है। और अभी अगर आप थोड़ा सा डाल पा रहे हैं और आपके पास बचा हुआ है तो 15-20 दिन के बाद फिर आप दे सकते हैं, या आपने बनाया हुआ है और उसका जो है यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तब कुछ दिनों के बाद भी दोबारा दे सकते हैं, जब भी बारिश आपका रुका हुआ दिखाई दे उस समय। तो इसी तरीके से डालना है, बाकी स्प्रे करना है तो उसको भी आप जो है पंप में डाल करके इसी तरीके से स्प्रे भी पूरे पौधे पर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो बोडो पेस्ट मैंने इस्तेमाल किया है तो इसका तरीका आपको पता चल गया होगा, कैसे यूज़ करना है वो भी पता चल गया होगा। साथ ही जैसे दो तरीका मैंने आपको बताया, एक तो नीचे डालना, दूसरा जो स्प्रे करना, और इसके साथ साथ बोडो पेस्ट को अगर आप थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं यानी कि पानी कम मिलाते हैं तो उसको जो है नीचे जैसे ये पौधे का स्टैम्प है तो यहाँ से लेकर के आप जो है इसमें पूरी तरह से जैसे रंगाई करते हैं पुताई करते हैं तो पूरा लगा सकते हैं। जैसे इधर हमारा सेब का पौधा है तो सेब में तो अक्सर लगाने की जरूरत होती है, सेब नींबू, तो उसमें जो है आप यहाँ तक आप इसको लगा दें, जहाँ तक लगाएंगे अच्छा रहता है। उससे जो है जो इसमें से कई बार क्या होता है गोंद निकलना शुरू होता है जिसकी वजह से पौधा खराब होता है, तो वो जो गोंद निकलने की समस्या है वो भी
नहीं होती है। तो उम्मीद है दोस्तों बोडो पेस्ट बनाना और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है आपको समझ में आ गया होगा, और आप भी अपने पौधों को इस बरसात के सीज़न में और सर्दियों के जो सीज़न है उसमें बिना फंगिसाइड का यूज़ किए, बिना ज़्यादा खर्च किए इस तरीके से बोडो पेस्ट बना करके उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।